मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किए इन 12 जिलों के कलेक्टरों के तबादले। देखिए लिस्ट। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए इन 12 जिलों के कलेक्टरों के तबादलों के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। इस बार डिप्टी कलेक्टरों के तबादले किए गए हैं। पूरी लिस्ट इस प्रकार है। दर्शकों हम आपको लिस्ट बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले नाम है श्रीमती विदिशा मुखर्जी जो कि अपर कलेक्टर थी जिला गुना की। इन्हें यहां से हटाकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल में इनकी नई पदस्थापना की गई है। इसी के बाद दूसरे नंबर पर श्री शिव कुमार मिश्र जो कि उप सचिव थे मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासनिक विभाग के। इन्हें यहां से हटाकर संयुक्त आयुक्त बना दिया गया है भू अभिलेख ग्वालियर का। श्री शोजान सिंह रावत जो कि अपर कलेक्टर थे दतिया जिले के। इन्हें यहाँ से हटाकर इनका मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण में इनका ट्रांसफर किया गया है। श्री विवेक कुमार रघुवंशी जो कि उप सचिव थे सामान्य प्रशासनिक विभाग पूल के। इन्हें यहाँ से हटाकर अपर कलेक्टर बनाया गया है गुना जिले का। श्रीमती एकता जायसवाल जो कि संयुक्त कलेक्टर थी जिला राजगढ़ की। इन्हें यहाँ से हटाकर संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है जिला उज्जैन का। श्री खेमचंद बोपचे जो कि संयुक्त कलेक्टर थे जिला सागर के। इन्हें यहां से हटाकर संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है बालाघाट जिले का। श्री आदित्य कुमार रिछारिया जो कि संयुक्त कलेक्टर थे सागर जिले के। इन्हें यहां से हटाकर इन्हें होशंगाबाद का संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है। श्री संतोष चंदेल जो कि विशेष कार्यस्थ अधिकारी थे सामान्य प्रशासनिक विभाग के। इन्हें यहां से हटाकर इन्हें सागर जिले का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। मोहम्मद शाहिद खान जो कि संयुक्त कलेक्टर थे जिला अशोकनगर के। इन्हें यहाँ से हटाकर संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है जबलपुर जिले का। सुश्री श्रीमती श्री श्रुति अग्रवाल जो कि विशेष कार्यस्थ अधिकारी थी सामान्य प्रशासन विभाग की। इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर हरदा जिले का बनाया गया है। सुश्री अंकिता प्रजापति जो कि विशेष कार्यस्थ थी अधिकारी थी सामान्य प्रशासन विभाग की। इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है राजगढ़ जिले का। श्री रवि मालवी जो कि विशेष कार्यस्थ अधिकारी थे सामान्य प्रशासनिक विभाग के। इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है अशोकनगर जिले।